गोपाल जी क्या कहना चाहेंगे युवा मोर्चा के द्वारा जो आज राशन वितरण के लिए जा रहा है जरूरतमंद लोगों के लिए, तो किस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो उनके जरूरत के सामान है वो कितने मौजूद है सब कुछ? मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पूरे मुंबई शहर में इस प्रकार के 3600 किट की वितरण की जवाबदारी उन्होंने हाथ में ली है, और इसके पहले भी वो मलाड विधानसभा क्षेत्र में और खास करके मेरे उत्तर मुंबई जिला में वो स्वयं उनकी माता नगर सेविका जया तिवाना, उनके पिताजी पूर्व नगर सेवक सतनाम तिवाना, ये जो परिवार है ये परिवार हर समय संकट के समय पर दौड़ कर आकर पूरे परिवार के लोग जुट जाते हैं और काम करते हैं, और इनके काम से प्रभावित होते ही मैं भी इनके छोटे मोटे कार्यक्रमों में आने का प्रयास इसलिए भी करता हूँ कि मेरे आने से उनका मनोबल और बढ़ता है। मैं भी जब पार्टी में आया था तो मैं भी किसी के काम से प्रेरित होकर आया था, तो मैं आज 30-40 साल लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरी अपेक्षा ये है कि इनका मनोबल बढ़ता है तो आने वाले 20-25 साल जितना भी उनसे बन पाएगा वो काम करते रहेंगे, तो समाज का भी भला होगा, पार्टी भी बड़ी हो जाएगी। ये मकसद से हम लोग आते हैं, काम करते हैं, और लोग कभी कभी टीका करते हैं ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ये टीवी में बाइट देने के लिए काम करते हैं, वो तो एक भाग है ही उसका, उससे मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन आप भी टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाते हो तो और चार लोग देखकर और प्रेरित होते हैं और वो भी काम करने लग जाते हैं, तो समाज का कुल मिलकर उसमें से लाभ होता है, और बहुत ही अच्छा काम तेजिंदर तिवाना और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको शुभेच्छा भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं। सर, मुंबई में दिहाड़ी मजदूर आदमी परेशान है, सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है उनको गांव भेजने के लिए, लोग अभी भी सड़कों पे हजारों की संख्या में पैदल जा रहे हैं। नहीं, लोगों ने पैदल जाना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपको पैदल जाना है, इतना परेशानी झेल कर आप गाँव पहुँचने के बाद में भी आपको वहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन करने वाले हैं, और ये सरकार के नियमों का भंग हो रहा है, वो नहीं आपने करना चाहिए। सरकार धीरे धीरे करेगी, जब इतना बड़ा संकट आया है दुनिया और देश के ऊपर तो सरकार का भी कुछ सुनना चाहिए लोगों ने, और मैं इस बात से खुशी जाहिर करना चाहूँगा कि हमारे देश के बड़े पैमाने अबाउट 95% लोगों ने, चाहे सरकार किसी के भी कौन से भी राज्य में हो, कुल मिलकर देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों की बात को मानी है, ऐसा नहीं जाना चाहिए। और सरकार अभी धीरे धीरे सब व्यवस्था कर रही है, क्योंकि जो राज्य में आप जाएंगे वहाँ पर आपका आने के बाद का व्यवस्था उनको करना है, तो समय लगता है इसमें, और मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार भी 1 या 2 दिन में यहाँ से ST भेजने का व्यवस्था करेगी, और सभी राज्यों में सरकार के पैसे से वो या तो फिर थोड़ा बहुत जो भी नॉमिनल चार्ज होगा लेगी, और सहयोग करना चाहिए लोगों ने, और धीरे धीरे सरकार को कोई भी व्यवस्था करना तो सोच विचार कर सब करना पड़ता है। आप व्यक्तिगत अपने लिए कुछ भी निर्णय कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन सरकार को करने में थोड़ी देरी होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ के सरकार को थोड़ा निर्णय करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये कोई टीका और टिप्पणी करने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ से भेजने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जो राज्य में कर्नाटक के सरकार ने कल निर्णय लिया कि ठीक है आप भेजिए हम लेंगे करके, तो जब तक दूसरे राज्य के लोग निर्णय नहीं करते तो यहाँ से भेजना भी उतना उचित नहीं होगा। हमने परसों घाई घाई में 4 राजस्थान के लिए बस भेजी, अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वापस भेज दिया बॉर्डर से, फिर लोग परेशान हो गए, वो यहाँ आने के बाद में वो सोसाइटी के लोगों ने उनको वापस लेने से मना कर दिया कि आप अभी चले गए अभी हम वापस नहीं लेंगे, तो इसलिए सोसाइटी का नियम है, राज्य सरकार का नियम है, केंद्र सरकार का नियम है, ये सारे नियमों का पालन करके आप घर छोड़िए, इतना मैं आपके TV के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा। तो मुंबई में कोरोना पॉजिटिव का जो ग्राफ है कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसके चलते महानगर पालिका के कमिश्नर चेंज कर दिए गए, क्या लगता है कि नए कमिश्नर से कितनी उम्मीदें जताई जा सकती? देखिए, मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा विषय है, मैं इस विषय को छोड़ूंगा तो फिर वापस पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जिन्होंने भी सरकार चलाई इतने साल, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का ख्याल ही नहीं किया, झोपड़पट्टी वालों का टीका टिप्पणी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करने का काम किया। झोपड़पट्टी में रहना किसी को कोई शौक नहीं होता है, 200 फुट के झोपड़े में वो एक IAS ऑफिसर आके रहे, वो एक मंत्री जो बने मेरे पार्टी में या तो आज कांग्रेस के पार्टी में या शिवसेना के पार्टी में जो भी है, वो 48 घंटा झोपड़े में रहे और जो टॉयलेट और झोपड़पट्टी के लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करे। मैं चाहूँगा कि उनको वापस अगली बार का चुनाव न लड़ते ही उनको जिता दो, इस प्रकार का अपील मैं करूँगा। देखिए, बात करना बहुत आसान है, आपने व्यवस्था की नहीं है। आज आप बात करते हुए कि झोपड़पट्टी के लोगों को एक व्यक्ति ने एक टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, आज एक झोपड़पट्टी में एक टॉयलेट 500 लोग यूज़ करते हैं। ये जो सरकार चलाने वाले लोगों ने उसका कभी व्यवस्था नहीं किया, इसलिए तो हो रहा है। आज कांदोली के लालजी पाड़ा में रात को 5 बजे Ground+2 का मकान गिर गया, एक व्यक्ति का पैर चला गया, दूसरा इंजर्ड हो गया, 10-12 लोगों को परेशानी हो गई, भगवान की कृपा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज आप लालजी पाड़ा जैसे परिसर में 2 माले की चाली है,
आप मालवनी में चले जाए आपको चार माले की चाली मिलेगी, आप बहरामबाग जाइए, आप बैंड्रा जाइए, आप कुछ इलाकों में जाइए जहाँ पर चार माले की चालियाँ बनी है। ये उनकी मजबूरी है, परिवार बढ़ता गया, लोग माला चढ़ाते गए, क्योंकि सरकार ने कोई काम इस प्रकार का किया ही नहीं। मैं जब कहता हूँ कि इस मुंबई शहर में कोई अगर मुझे जवाबदारी देते हैं तो मैं 35-40 लाख रुपए में वन रूम 300 फुट का घर बनाकर देने को तैयार हूँ। मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूँ, मैं MP पद छोड़कर भी काम करने के लिए मेरी तैयारी है। अगर 40 लाख रुपए में किसी को घर मिलेगा तो ये 40 लाख रुपए का घर लेने के लिए उसको बैंक का लोन भी मिलेगा, तो क्यों कोई झोपड़पट्टी में मरेगा? झोपड़पट्टी में तो उसको 5,000 रुपये भी बैंक के लोग लोन देते नहीं है। सरकार का ऑथोराइज बिल्डिंग में अगर वो घर लेता है तो उसको बैंक का लोन भी मिलेगा, तो कौन झोपड़पट्टी में मरने के लिए तैयार है? लेकिन सरकार ने योजना बनाई नहीं, बिल्डर लोग घर बनाते गए, 80 लाख रुपया 1 करोड़ से कम में कोई किसी को एक घर मिलता नहीं मुंबई शहर में। अब मेरी आवाज़ को सुनने वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इंक्लूडिंग मेरी पार्टी के लोग, सारे लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस मुंबई में काम करने वाला मजदूर है वो 10,000 रुपये में भी अपना जीवन जीता है। अब वो 10,000 रुपये महीना कमा कर अपने बीवी बच्चों को पाल कर उनको स्कूल की व्यवस्था कर कर वो कैसे वन रूम का किचन परचेस करके लेगा? ये मुझे कोई बता दे, ये मुझे कोई बता दे, इसका कोई गणित मुझे बता दे। मैं कल के कल मेरा MP पद का राजीनामा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर गणित आपके पास बैठता नहीं है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मिलकर आने वाले दिनों में लोगों को घर मिले इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। इसमें पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट के ऑफिसर, मंत्री, संतरी, सरकार, ये सारे लोग तो जवाबदार है, लेकिन एक जवाबदार व्यक्ति वो झोपड़पट्टी में रहने वाला भी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा नेता वो है। वो जब तक चाहता नहीं है तब तक वहाँ की स्कीम आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए सारे लोगों को एक साथ में ठीक ठाक करते हुए जो गरीब आदमी है उसको घर मिलने की व्यवस्था आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी, और ये कोरोना महामारी पूरा होते ही मैं इस काम में लगने वाला हूँ। देखिए कमिश्नर कमिश्नर होता है साहब, नया कमिश्नर जूना कमिश्नर खराब था, ये नया कमिश्नर आने वाला कोई लॉजिक जादू कर देगा इसमें कोई बात मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि कमिश्नर सारा जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर काम करता है। कमिश्नर जो होता है, जो रूलिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल मुंबई शहर में शिवसेना का राज है, तो शिवसेना का वहाँ का नेता और मेयर जब तक कुछ कहेगी नहीं वो कमिश्नर कुछ कर नहीं सकता है। नाला साफ सफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी स्टैंडिंग कमेटी में पास किए बगैर कमिश्नर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए कमिश्नर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारे मुंडे साहब जैसे कमिश्नर कितने हैं जो किसी का सुनते नहीं, जो नियम है कायदा है वो हिसाब से करते हैं। हालांकि दो चार काम उनसे भी गलतियां हो जाती है, लेकिन करते हैं, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कमिश्नर बदलने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा ये मैं मानता नहीं हूँ। रूलिंग पार्टी के लोगों का मेंटेलिटी, उनकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, फिर कमिश्नर जितना चाहिए उतना डिलीवरी करेगा।